light me up with a bright smile on now. आज की वीडियो डॉक्यूमेंट्स पर है। अगर आपने इस तरीके के डॉक्यूमेंट नहीं बनाए या इसमें बनाने में कोई भी दिक्कत करी तो आपको और आपके डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका जो सपना है यूपी पुलिस बनने का, एक खाकी वर्दी धारण करने का, वो अधूरा रह जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की और जल्द से जल्द आपको फुल डिटेल में बताता हूँ जिससे कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिजेक्ट ना हो। तो जय हिंद साथियों, दीपक कोहली दिस साइड, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोहली जॉब्स इन्फो में। तो मैं आपको ले चलता हूं डॉक्यूमेंट्स की तरफ को। डॉक्यूमेंट्स की ये वीडियो है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जो भी ओबीसी वगैरह कैटेगरी के हैं, ओबीसी एससी या एसटी कैटेगरी के हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके एक साल से पुराने नहीं होने चाहिए। एक साल से पुराने आपके डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए, ये अपडेट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपके क्या क्या होने चाहिए भैया, मुझे वो बता दीजिए। डॉक्यूमेंट्स में आपके डोमिसाइल हो गया, डोमिसाइल जिसको हम कहते हैं स्थाई निवास, स्थाई निवास कहते हैं जिसको हम। एक होता है हमारा कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। और एक आपके पास कोई सी भी आईडी होनी चाहिए जिसपे की फोटो लगा हो, फोटो। डॉक्यूमेंट्स में आपके मार्कशीट भी लगती है 10th और 12th की। कई सारे स्टूडेंट कहते हैं भैया मेरा एक में बैक आ गया है, भैया मैं उसमें फेल हो गया था 10वीं के कुछ सब्जेक्टों में, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? हाँ भाई, आप अप्लाई कर सकते हो, बस आप 12th पास होने चाहिए, कम से कम आपके 33% होने चाहिए। क्या डॉक्यूमेंट स्थाई समझ में आ गया, मुझे कास्ट सर्टिफिकेट या जाति सर्टिफिकेट समझ में आ गया, भैया इसका फॉर्मेट बता दीजिए। फॉर्मेट मैं बताता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, ये स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, मोहर होनी चाहिए इसमें, मोहर होनी चाहिए इसमें लगी हुई स्टेट की, यूपी की, यूपी की इसमें मोहर हो, लेटेस्ट अपडेट हो। देखिए इसमें डिजिटल साइन आते हैं, तो आप कहोगे भैया वहां तो क्या कहते हैं साइन ही नहीं लिए, भैया वहां डिजिटल साइन यूज हो रहे हैं उस डॉक्यूमेंट में, उस डॉक्यूमेंट में डिजिटल साइन हो रहे हैं, आप कोई भी दिक्कत ना लें। और क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, देखो अभी से आप डॉक्यूमेंट्स अपडेट कराओगे तो फायदे में रहोगे। यूपी पुलिस में जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो स्कैन होके लगते हैं। आप सोच रहे होंगे भैया मैं तो फोटोकॉपी लेके जाऊंगा और कैफे वाले से भरवा दूंगा और मेरा बिल्कुल फाइनल हो जाएगा फॉर्म अप्लाई, लेकिन ऐसा नहीं होता। यूपी पुलिस में अब डॉक्यूमेंट्स स्कैन होते हैं, मेरे समय में भी डॉक्यूमेंट स्कैन होते हैं। डॉक्यूमेंट स्कैन में आपका एक डोमिसाइल स्कैन होगा और कास्ट सर्टिफिकेट स्कैन होगा, आधार कार्ड भी स्कैन हो सकता है, फोटो, एक फोटो होगी पासपोर्ट साइज वो स्कैन होगी, और आपके सिग्नेचर स्कैन होंगे। आपने अगर डॉक्यूमेंट्स एक साल से पुराने हो गए हैं तो प्लीज कृपा करके उसको अपडेट करा लीजिए, या तो आप उनको अपडेट करा लीजिए, जो पुराने हो गए हैं उनके पास जाइए डॉक्यूमेंट जिनसे आपने बनवाए थे, भैया मुझे डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने हैं। अपडेट करवा लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने की। और जो स्टूडेंट जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनवाए ही नहीं है वो अभी से बनवा लें और फिर वो यूपी पुलिस में लग जाएंगे। ये गलती मत करिएगा कि मैं तो जब फॉर्म आएंगे जब बनवाऊंगा, नहीं, अभी से बनवा लीजिए। इसकी कॉस्ट 150 रुपये तक की आती है। अब कई सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है, ये कमियां होती हैं उनकी कुछ डॉक्यूमेंट्स में कि भैया मेरे माता का नाम इसमें चेंज हो गया 10वीं में, आधार कार्ड में कुछ और है। ये कई सारे भाई और बहनों की दिक्कत है, तो मैं बताना चाहूँगा, देखो डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कत हो आप करेक्शन या तो अपने बोर्ड के माध्यम से कराइए, जो आपकी मार्कशीट में मिस्टेक है वो, उसमें बहुत समय लगता है, लगभग कोई उसे बना नहीं पाता। वरना आपके पास एक उपाय है जो कि सभी उसको यूज करते हैं, एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब है शपथ पत्र। उस एफिडेविट को आप बनवाने जाएंगे जो कि कचहरी में या तहसील में जाके 150 से 200 रुपए का बनता है। वो आपको उसमें क्या लिखा होता है भैया, उसमें यह लिखा होता है कि मैं ये मानता हूं, ये श्योर हूं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे द्वारा बनाए जा रहे हैं और जो मैं डॉक्यूमेंट आपके लिए अप्लाई कर रहा हूं वो बिल्कुल 100% सत्य है। अगर वो मेरे द्वारा डॉक्यूमेंट्स गलत पाए जाते हैं तो आपके अनुसार जो भी दंड आप देना चाहें मुझे स्वीकार है। ये जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बताया है ये अप्लाई फॉर्म के दौरान है, बाकी आगे आगे जाके मेडिकल में क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके नॉलेज भी मैं धीरे धीरे आपको दे दूंगा जैसे जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। इकट्ठा सीढ़ियाँ
चढ़ोगे तो दिक्कत होगी, इसलिए धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। जैसे जैसे आपका लक्ष्य सामने सामने आता रहेगा, वैसे वैसे मैं आपको जानकारी देता रहूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। अगर आपको आपके भैया की वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ अपने भैया को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगर किसी को मेरे नंबर की जरूरत है तो मैं अपना नंबर दे दूंगा कॉल, वो चाहे मेरी बहनें हो चाहे मेरे भाई हो, कॉल रात के 8 बजे के बाद करेगा। डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम लिंक है, इंस्टा लिंक है, आप उसमें भी मुझको फॉलो कर सकते हैं। अंत में जय हिंद साथियों।